हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपको हम कैसे एक स्टोर प्रोसीजर को SSIS पैकेज में कैसे OLTP कमांड ट्रांसफॉर्म करके वो कैसे बुलाकर उसका एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो सब आज हम देखेंगे। इसीलिए मेरे पास पहला टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, उसमें डेटा ये 5 रोज है। ये 5 रोज के बाद मैं एक प्रोसीजर को क्रिएट किया है। वो प्रोसीजर क्या है, मतलब स्टूडेंट स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट किया है, वो उसका नाम है स्टूडेंट। उसमें एक वेरिएबल पास कर रही हूँ स्टूडेंट नेम के हिसाब से, और उसके बाद बिगिन डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जो डिलीट कर रही हूँ स्टूडेंट डिटेल टेबल्स में, उसका जो स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम दैट वो मेरा स्टूडेंट नेम को जो वेरिएबल पास कर रहे हैं उसके हिसाब से वो होना चाहिए। उसके बाद ये क्या होता है, कैसे ये स्टोर प्रोसीजर को हम SSIS पैकेज में OLTP कमांड ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कैसा करेंगे वो हम आज देखेंगे। इसके लिए मेरे पास न्यू SSIS पैकेज क्रिएट किया है, डेटा फ्लो टास्क सेलेक्ट किया है डबल क्लिक करके, उसके बाद यहाँ मेरा फ्लैट फाइल सोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। मेरा फ्लैट फाइल सोर्स है जो फ्लैट फाइल में है, मेरा डेटा डिलीट स्टूडेंट का फ्लैट फाइल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच और एक रो है जो यहाँ ये फ्लैट फाइल में जो है ये डेटा से वो उसको हिसाब से हम वो डिलीट करेंगे रो बाय रो वाइज, ये OLTP कमांड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। उसके बाद न्यू, यहाँ मैं फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर न्यू कनेक्शन मैनेजर यूज कर रही हूँ, मेरा फ्लैट फाइल को कनेक्ट कर रही हूँ सोर्स फाइल को। यहाँ देखो हमारा जो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच आया। एडवांस्ड में जाके हमारा स्टूडेंट आईडी है जो इंटीजर, उसका डेटा टाइप तो इंटीजर को चेंज कर रही हूँ, ओके। यहाँ भी ओके। हमारा फ्लैट फाइल सोर्स फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर हो गए। उसके बाद मेरे OLTP कमांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं जो मैपिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ तो हम OLTP कनेक्शन मैनेजर को सेलेक्ट करना है, मगर यहाँ हमारा नहीं है तो मैं यहाँ कनेक्शन मैनेजर नया वाला बन रहा हूँ। तो अभी मैं OLTP कमांड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी ये डिलीट किया हूँ, न्यू कनेक्शन मैनेजर को कर रहे हैं। यहाँ मैं सर्वर नेम जो डेटाबेस को कनेक्ट करना है मेरा डेटाबेस का, उसका सर्वर नाम यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया है। मेरा तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, तो मैं यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ डेटाबेस को सेलेक्ट कर किया है, ओके। अभी तो ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अभी OLTP कमांड ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कनेक्शन मैनेजर कनेक्ट करके उसके बाद कंपोनेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में क्या देना पड़ेगा, हम ये स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट स्टूडेंट, और हम एक वेरिएबल को पास कर रहे हो तो एक वेरिएबल क्वेश्चन मार्क दिया है तो ओके। अभी वो कॉलम मैपिंग करना है जो इनपुट में है, जो अवेलेबल इनपुट सोर्स है उसके से आउटपुट का स्टूडेंट नेम का, मैं जो स्टूडेंट नेम है उसका मैपिंग कर रहे हैं। तो अभी ये स्टूडेंट नेम जो अभी ये स्टूडेंट नेम और जो स्टूडेंट ये वेरिएबल जो पास किया है दोनों सेम हुआ तो वो डिलीट करेगा वो रो को। अभी मैं ये एग्जीक्यूट करती हूँ, करने के बाद एक रो का ये आ गया। तो अभी हम यहाँ ओके SQL सर्वर में ये एग्जीक्यूट किया तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, देखो पर्टिकुलर रो तो डिलीट हो गया। ऐसा हम एक स्टोर प्रोसीजर को कैसा OLTP कमांड ट्रांसफॉर्मेशन में SSIS पैकेज में यूज़ किया है वो आज हम देखा है। देख अभी मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।